बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के भाग 2 का पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्यापन करेंगे। राष्ट्र निर्माण का अर्थ। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण एक चुनौती भरा कार्य है। प्रत्येक नए राष्ट्र को इस चुनौती का सामना तो करना पड़ता है। आजादी के बाद भारत को भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ा। राष्ट्र का तात्पर्य एक ऐसे समुदाय से है जो संस्कृति, भाषा अथवा इतिहास या अन्य किसी आधार पर एकता की भावना से प्रेरित हो। अतः राष्ट्र एक सांस्कृतिक धारणा है जिसका मूल तत्व एकता की भावना है। राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य ऐसी सचेत प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों व वर्गों में एकीकरण के द्वारा राष्ट्रीय पहचान को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे एक एकीकृत समुदाय के रूप में राष्ट्र विकास की गति को प्राप्त कर सके। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता तथा विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक कतिपय मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों पर आधारित होती है। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। बच्चों, आपको पता होगा हमको आजादी सन 1947 15 अगस्त को प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर पर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और सरकार इसके लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आजाद हो चुका है और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का समय आ गया है। यह कोई आसान काम नहीं था। आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिनाइयों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ। आजादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। राष्ट्र निर्माण के समय कुछ चुनौतियां थीं जिनको देखते हैं। पहला, एकता के सूत्र में बांधना। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं को स्थान प्राप्त हो। भारत अपने आकार और विविधता से किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जाता रहा कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच प्रमाणित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे प्राप्त किया जाए।
दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना। स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र में लोगों को मौलिक अधिकारों तथा मतदान आदि की गारंटी दी जाती है। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, परंतु इतना भर भी काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरा, समाज मूलक विकास। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे पूरे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक वर्गों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी की समाप्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। चौथा, रजवाड़ों की विलय समस्या। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े, जिनकी संख्या लगभग 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। अब विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उस समय राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, किंतु सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजा यह निकला, पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला यह हुआ कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, पर फैसला करना और अमल में लाना दोनों बहुत कठिन था। यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाए। इसके मायने यह थे कि जिस इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे।
यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिम और पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच के भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में ऐसे हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इससे जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। अब आते हैं भारत विभाजन के कारण। बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना, ये परीक्षा में आपके ज़रूर आते हैं। भारत विभाजन का पहला कारण द्विराष्ट्र का सिद्धांत। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात को बढ़ावा देकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का देश था। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में प्रतिस्पर्धा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय से ही हिंदू मुस्लिम एकता में दरार आनी शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने इसे और बढ़ावा दिया। तीसरा, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ब्रिटिश शासक प्रारंभ से ही इस नीति का पालन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए करते रहे थे। मुस्लिम लीग द्वारा जब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की गई तो अंग्रेजों ने इसे भी अपना स्वार्थ देखा तथा इस मांग को समर्थन देने लगे। चौथा, सांप्रदायिक दंगे। जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्यवाही की नीति के कारण भारत के कई भागों में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहे, जिसमें जन व धन दोनों को बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेसी नेताओं ने इन दंगों को रोकने के लिए भारत का विभाजन करना ही उचित समझा। पांचवा, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव भी उत्तरदायी था। मौलाना आज़ाद ने लिखा है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आने के एक माह के भीतर पाकिस्तान के प्रबल विरोधी नेहरू विभाजन के समर्थक, नहीं तो कम से कम इसके प्रति तटस्थ अवश्य हो गए। अब है भारत विभाजन के परिणाम। 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप एक स्थान पर रहने वाली जनसंख्या न चाहते हुए भी दूसरे स्थान पर गई। लाहौर, कोलकाता और अमृतसर जैसे बड़े और ऐतिहासिक शहर सांप्रदायिकता की आग में जलने लगे। हिंदू और सिख बहुल इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया तो मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं ने। सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन कई दुखद परिणाम लेकर सामने आए। मानव इतिहास में इस तरह के अचानक, अनियोजित तथा व्यापक स्तर पर जनसंख्या के विभाजन का कोई दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं है। विभाजन के परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है सांप्रदायिक दंगे। जब विभाजन की प्रक्रिया लागू की गई तो कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे अधिक हो गए। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों की हत्या की गई।
इसी तरह भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या व उनके विरुद्ध अत्याचार किए गए, उनकी संपत्ति लूट ली गई तथा कई अमानवीय अत्याचार भी किए गए, जिसमें महिलाओं का अपहरण तथा उनका धर्म परिवर्तन भी शामिल है। कई शहरों जैसे लाहौर, अमृतसर तथा कोलकाता में जनसंख्या की धार्मिक बहुलता के आधार पर सांप्रदायिक जोन बन गए, जहां दूसरे धर्म के लोग जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। अर्थात हिंदू और सिख क्षेत्रों में मुस्लिम जाने से बचने लगे तथा मुस्लिम बाहिल क्षेत्रों में हिंदू और सिख नहीं जा सकते थे। देश के विभिन्न हिस्सों में आज़ादी के समय 1947 में सांप्रदायिक दंगे इतने व्यापक स्तर पर फैले कि उन्हें संभालना एक अत्यंत कठिन कार्य था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में देश के पहले स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उस दिन वे बंगाल में सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में प्रयासरत थे। उन्होंने बंगाल के नोवाखली के क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों को सीमित करने का बहुत प्रयास किया। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन सांप्रदायिक दंगों में दोनों देशों में 5 से 10 लाख लोग हत्या के शिकार हुए थे। कई समाचार पत्रों तथा फिल्मों में इन दंगों को चित्रित करने का भी प्रयास किया गया, जैसे गदर या 1987 में गोविंद नहलानी की फिल्म तमस में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हिंदुओं व मुसलमानों के पलायन तथा नरसंहार की कहानी को चित्रित किया गया। दूसरा, जनसंख्या का विस्थापन तथा शरणार्थियों की समस्या। विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला लाखों भारतीयों के बलिदानों और संपूर्ण भारतवासियों के अथक निरंतर स्वाधीनता आंदोलन पर रखी गई है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता के साथ अपने विभाजन का कटु स्वत स्वीकार करते हुए अपने पश्चिमी और पूर्वी अंग से अलग हुए नए राष्ट्र पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारना पड़ा। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। यह विभाजन अंग्रेजों को फूट डालो और राज्य करो से प्रेरित द्विराष्ट्र सिद्धांत से भारतीय मुस्लिम लीग को धार्मिक उन्माद की नींव पर नए इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करने की सनक सवार हो जाने का परिणाम था। अपने अस्तित्व में आने के साथ ही पाकिस्तान ने इस्लामी रूढ़िवाद का दामन थाम कर भारतीय मुसलमानों को धर्म के नाम पर पाकिस्तान में आकर बसने का आह्वान किया। पाकिस्तान सरकार का यह व्यवहार न केवल सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने बल्कि भारत और पाकिस्तान संबंधों में कटुता का कारण बना। कटुता के ये बीच आज कटीली झाड़ियों में परिवर्तित होकर दोनों देशों के संबंध में कंटक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कटुता की चुभन में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य समस्या शरणार्थी समस्या और कश्मीरी विवाद है। बच्चों, ये वीडियो देखकर और अच्छे से समझकर आप अपने नोट्स बनाएंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद